बनाओ कीर्तिमान, सबसे ज्यादा मतदान में आज हम पहुंचे हैं उज्जैन विधानसभा में। उज्जैन की उत्तर विधानसभा अति महत्वपूर्ण विधानसभा है, जहां से लगातार 4 बार पारस जैन विधायक रहे हैं। इसके पहले 1 बार हारे थे और उसके बाद 2 बार पूर्व में विधायक रहे हैं। लगातार 6 बार का विधायक का कार्यकाल रहा है। विधायक को लेकर आम जनता क्या कहती है, क्या जो वादे किए थे 2018 में वो पूरे हुए हैं, कितने काम धरातल पर हुए हैं, इन सबको जानेंगे। आम जनता की राय पहुंचेंगे कॉलोनियों तक, उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे कि क्या उनके जो वादे किए थे चुनाव में वो कितने पूरे होते नजर आए हैं। उत्तर विधानसभा में मौजूद हूँ और पारस जैन यहाँ पर विधायक है, मंडी के अंदर पहुंचे हुए। मंडी में जो भाव है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है, नीलामी चल रही है गेहूँ की, अलग अलग नीलामी जो है वो यहाँ पर की जा रही है, व्यापारी वर्ग मौजूद है। क्या स्थिति है यहाँ पर चुनाव? मंडी में जो व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी है, बीजेपी काफ़ी व्यवस्थाएं सुधार रही है और आने वाले समय में हमें उम्मीद है माननीय मंत्री जी से और विधायक जी से कि जो मंडी में भी सुविधाएं की है उससे ज़्यादा की जाए और जो व्यवस्थाएं कुछ कमी बेसी है उसको भी सुधार किया जाए। अच्छा, विधायक जी आते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोगों से? विधायक जी चूँकि मंडी के ही व्यवसायी हैं तो उनसे आते रहते हैं, मंडी में मिलते रहते हैं, उस सुविधा। क्या कुछ वादे थे जो चुनाव में किए थे जो पूरे हुए हैं? मंडी में, मंडी व्यापार संबंध में जो विधायक जी के वादे थे वो करीब करीब पूरे हुए। हम चाहते हैं आने वाले समय में किसान और जो मालों की व्यवस्था जो अव्यवस्थित हो रही है, सरकार को जो गेहूँ लेना चाहिए MSP पे मंडी से परचेस करना चाहिए जिससे अव्यवस्था नहीं फैले और व्यापारियों और किसानों में जो विवाद होते हैं वो ना हो, व्यापारी और किसानों में विवाद ना हो। विधायक जी आते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग? माननीय श्री पारस जी जैन साहब और मोहन जी यादव साहब जो मंत्री पद पर हैं, दोनों ही विधायक उज्जैन इस मंडी को ए ग्रेड की मंडी है, इससे कहीं और हाईटेक बनाना चाहते हैं, उसमें किसानों का, व्यापारियों का और हमालों का पूर्ण योगदान और मंडी समिति का पूर्ण योगदान विधायक जी को मिलता है और विधायक जी का पूरा समर्थन और ध्यान हमारी मंडी की ओर केंद्रित रहता है और सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रखी हैं। अच्छा, जो चुनाव में 2018 में जो वादे किए थे क्या पूरे हुए हैं वो आप लोगों के? जी बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी द्वारा जो जो घोषणाएं मंडी के लिए, उज्जैन के लिए की गई माननीय श्री मोहन जी यादव एवं श्री पारस जी जैन साहब द्वारा एवं सांसद जी द्वारा सारे कार्य हमारे यहाँ पूर्ण किए गए। क्या क्या कुछ ऐसा काम हुआ है जो? बहुत सारी चीज़ें हैं मंडी में, जिस प्रकार के डेवलपमेंट हमें चाहिए थे, सड़कें जो पहले काफ़ी ख़राब अवस्था में थी, शेड्स नहीं थे मंडियों में, आज आप जाइए जिस प्रकार के शेड उज्जैन मंडी में हैं बने हुए, आप पूरे हिंदुस्तान की या मध्य प्रदेश की किसी भी मंडी में चले जाएंगे तो इस प्रकार के शेड्स नहीं मिलेंगे, तो वो किसानों के लिए भी और व्यापारियों के लिए भी काफ़ी हितकारी है। अच्छा, आप भी यहाँ मंडी में ही हैं? हाँ, हमें भी मंडी में हुआ सब। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या क्या सुविधा है और मंडी में बढ़ना चाहिए लग रहा है? तो बढ़िया है सब। अब इसमें भी जो है हमारे मंत्री जी जो है कमल पटेल, उन्होंने घोषणा की है पाक्षिक बंद करने की, वो भी बंद किया जाए या, और जो लीज रेंट जो है वो 99 साल की वापस की उन्होंने घोषणा की है, करना चाहिए वो भी होना चाहिए। क्षेत्रीय विधायक है पारस जैन, वो आते हैं मुलाकात करते हैं? अभी आते हैं, बिल्कुल मुलाकात भी करते हैं, खुद व्यापारी भी हैं वो भी है। अच्छा, कुछ परेशानियाँ समस्याएं होती हैं तो उनका निराकरण कैसे करते हैं? उनका निराकरण मंडी कमेटी भी करती है और किसान जो नेता है वो भी आते हैं, खुद भी करवाते हैं। अच्छा, ऐसा कोई काम जो रुके हुए हो विधायक? अभी तो और कोई, अभी तो कोई रुके हुए नहीं, बस यही 2 काम है, 99 साल की लीज होना चाहिए वापस क्या, और जो है ये जो पाक्षिक जो है ये बंद होना चाहिए जो हम 15 दिन में देते हैं, उन्होंने घोषणा की है कमल पटेल साहब ने। अच्छा, क्या हमाल हैं आप? नहीं, मैं किसान हूँ। किसान है, क्या व्यवस्थाओं की कमी लग रही है? व्यवस्था सर, जब पानी आता है ना तो हमारे को बाढ़ लगनी पड़ती है, ट्रायली में मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है हमें। अच्छा, कभी शिकायत की है आपने मंडी प्रशासन से या स्थानीय विधायक से इसको लेकर? नहीं, कोई परेशानी आती मंडी में? मंडी में एक कांटे की परेशानी, एक कांटा है, अभी 3-3 घंटे लगता है, ट्रैक्टर किसान परेशान हो रहे हैं, किसी का ट्रैक्टर टूट रहे हैं, परेशानी तो है। एक ही कांटे में कब तक तो लिया, बड़े कांटा हो गया, 10 कांटे की बोले थे कृषि मंत्री, अभी तक कांटे भी नहीं लगे, यहाँ पे 2-5 कांटे लगना चाहिए ना, बड़े कांटे। स्थानीय विधायक भी व्यापारी है, मंडी में आते हैं, कभी उनसे शिकायत की? नहीं किया, शिकायत क्या करेंगे, अभी ये मंडी कार्य करनी है, कौन सुनते हैं, बोलते हैं 10 कांटे लग जाए, 10 टन वाले अभी तक नहीं लगे, एक कांटा है, अभी ट्रैक्टर की स्थिति देखो वहाँ जाके आप, ट्रैक्टर का किसी का मुंह टूट रहा है, किसी की लाइट टूट रही है, किसान ही किसान लड़ रहे हैं। व्यवस्था, कितने किसान यहाँ पर रोज मंडी में पहुँचते हैं अपना माल लेकर? यहाँ पे तो बहुत सारे किसान, करीबन अपन को अंदाज तो इतना नहीं है, आप देख रहे हो ना भीड़ की कितनी स्थिति है,
रेट तो गेहूं के ऊपर है, गेहूं के ऊपर है, कल से डाउन कर दिया इन्होंने 200-300 रुपए रेट के ऊपर। तो जैसे गेहूं ऐसा रेट मिलेगा, सब एक जैसे तो बिकते नहीं कलर के। अच्छा, जो तुलाई है सरकारी तुलाई चल रही है? चल रही है, मिल रहा है 2125 का जो रेट, 2125 प्लॉट वगैरह बुक हो रहे हैं सब हो रहा है। हाँ, समस्या तो गेहूं का रेट तो डाउन है भाई साहब। खाने का गेहूं में जो 2300 बिक रहा है यहाँ मंडी में और 2100 तो समर्थन मूल्य है, तो जो खाने का तो अच्छा बिकना चाहिए ना। ये लोकोन गेहूं यहाँ सामने ही है, ये 2300 ही बिका है। इसको लेकर ये पिछले कई दिनों से समस्या चल रही है कि जो किसान का माल है उसको व्यापारी कम दामों में भी खरीद रहे हैं, उसको या तो कम उसका माल बता रहे हैं कि कम क्वालिटी का माल है, क्वालिटी वाइज पैसा देना चाहिए। इसको लेकर भी कई बार शिकायत है कि विधायक जी से की शिकायत नहीं करी ना, कोई बोलने को तैयार नहीं, किसान लोग ही नहीं बोलते हैं। ये आपके सामने अभी लीलाम कर रहे हैं, आप खुद देख लीजिए क्या बोली लगा रहे हो। क्या रेट मिल रहा है? क्या 2300 का ही मिल रहा है और 2125 तो समर्थन मूल्य है, तेजस पोषक वही जा रहे हैं। तो खाने का गेहूं का रेट तो अच्छा मिलना चाहिए। हाँ, 1800-1900 बिक रहे हैं, वो 1900 बिके हमारे गेहूं, 1900 बिके सुबह तेजस गेहूं। अरे खाने का गेहूं क्या करें उसमें, किसी ने तो समर्थन मूल्य है तो 2125 समर्थन मूल्य ही, क्या खाएंगे वो सुबह के लगे है तो 4 घंटे में तो कांटे में पहुंचे। ये देखो ये टॉप माल है, ये समस्या, ये कांटे की भी कमी है यहाँ पर, कांटे की भी समस्या है सामने। किसानों में कहीं ना कहीं टोल कांटे को लेकर नाराजगी जरूर है कि स्थानीय विधायक ने वादा किया था कि टोल कांटे बढ़ाएंगे, लेकिन टोल कांटे नहीं बढ़ाए। उसके साथ ही शेड की यहाँ पर बात की जाए तो जो शेड में बारिश में किसानों को यहाँ पर परेशानी होती है उसका सामना यहाँ पर किसानों को करना पड़ता है। बड़ी दूर से किसान जो है वो मंडी में अपना माल बेचने के लिए पहुँचता है और तुलाई में जब वक्त लगता है तो जो ट्राली का भाड़ा है वो भी लगातार बढ़ता जाता है। ऐसे में किसानों को खासी परेशानियाँ हो रही हैं। इसलिए हम जब चुनाव गए थे तो हमारा पहले एक स्विमिंग पूल का मामला था, उसको हमने पूरा बना दिया है और 8 करोड़ की लागत से नगर निगम में बनाया, और एक जमनाशम हाल जो कि पहले नेशनल लेवल का हमने बनाया है उसकी लागत भी 7 करोड़ है। पहले जब मैं शिक्षा मंत्री था, जब मैंने प्रारंभ किया था और उसमें मैं 1 करोड़ रुपये की राशि दी थी, धीरे धीरे करके आज वो 7 करोड़ का कंप्लीट हो गया, उसका भी हमने लोकार्पण कर दिया है। अब नेशनल के जैसे भी कोई गेम होंगे जमनाशम में तो वो वहीं होंगे। एक जरूरी कि मलखम के लिए अकादमी के लिए बनना है, उसके लिए जगह पर्याप्त तो मिल नहीं रही है। मेडिकल कॉलेज की हमारी घोषणा है, उस घोषणा में जैसी जगह मिलेगी तो सरकार जल्दी से मेडिकल कॉलेज बनाएगी। हमने जितनी घोषणाएं की थी वो सब हमने पूरी कर दी। उज्जैन की उत्तर विधानसभा की उद्योगपुरी में मौजूद हूँ, उद्योगपति मेरे साथ में मौजूद हैं। क्षेत्र में कई मूलभूत समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। आपके इधर विधायक कौन है? विधायक पारस जी जैन है और विगत 7 बार से विधायक है पारस जी जैन उज्जैन उत्तर में। अच्छा, विधायक जी आते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोगों से? हाँ, विधायक जी सहज उपलब्ध रहते हैं, विधायक जी मिल जाते हैं हमेशा, जो कार्य बताते हैं वो कर देते हैं। बाकी फिर भी आजकल अभी जो देख रहे हैं आप यहाँ पर जो सड़क है, पानी है, उसकी समस्या यहाँ पर है और जो ये स्थिति है बारिश के अंदर स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। विधायक जी उपलब्ध भी रहते हैं, जो कार्य हो सकता है वो कराते हैं। यहाँ पर मूलतः सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल उद्योग है और टेक्सटाइल उद्योग में मंदी का दौर चल रहा है और लगभग 50% के लगभग भी कार्य अभी वर्तमान में हो पा रहा है। अच्छा, इस बार उद्योगपति ने क्या मूड बना रखा है, किसको इस बार जिताने वाले हैं? अब उद्योगपति ने क्या मूड बना रखा है वो तो अगर किस चीज़ से प्रभावित होते हैं, यहाँ के मूलभूत समस्या से रहते हैं या फिर जहाँ वो निवास करते हैं वहाँ अगर उनको सुविधाएं मिल रही है और उससे संतुष्ट हैं तो वापस हो सकता है इन्हीं सरकार को दे, और इस जैसी यहाँ असुविधा है वैसी असुविधा उनके निवास पे और बाकी कार्यों में भी है, उनके बिजनेस में भी है, तो वो निश्चित रूप से सरकार बदलना चाहेंगे या फिर अपने विधायक जी से असंतुष्ट रहेंगे तो निश्चित रूप से दूसरी जगह देंगे। कई असुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए, क्योंकि एक फैक्ट्री संचालन का अगर करना है तो वहाँ पर मूलभूत सुविधा होगी तो व्यापार भी बढ़ता है। कितनी बार आपने इसको लेकर विधायक जी से चर्चा की है, विधायक जी ने आपको बताया है कि इस बार बन जाएगा, कितने समय से मांग कर रहे हैं आप? चर्चा तो कई बार हुई है उनसे, यहाँ पर हमने अनशन भी रखा है कई बार इस रोड की और जो दूसरी मूलभूत सुविधाएं पानी की है या मेन सुविधा है तो रोड की और इस चीज़ की ज़्यादा रहती है हम लोगों को। बारिश में काफ़ी परेशानी आती है। बात और मुलाकात इसके बीच में ही रह जाती है उद्योगपतियों की बातें? ये तो आप लोग भली बात ही समझेंगे कि बात और मुलाकात जब आवश्यकता है प्रतिनिधि को तो मुलाकात है और जब हमारी आवश्यकता है तो बात ही बात है।
क्या लग रहा है? अब मुलाकातें तो कई हो गई हैं, लेकिन अभी जो स्थिति है उद्योगपुरी की देखी जा रही है कि यहाँ पे बारिश में क्या हाल होते होंगे अगर अभी धूल मिट्टी इतनी उठ रही है तो? बस तालाब के जो आपने समस्या देखी है वही हमारे यहाँ पानी का तालाब रहता है, अगर सड़कें कम तालाब ज्यादा रहती है, गाड़ियां भी फंसती हैं, सब होता है, फंसती भी है, गिरते भी है, रोज का ही काम होता है, सब चीजें होती है, पर उसका कोई समाधान तो ही नहीं, इसलिए आदि हो गए हम भी इन सब बातों के। चार बार से तो अभी कंटिन्यू है विधायक जी, उसके पहले एक बार हार के दो बार कंटिन्यू रहे हैं, मतलब 30 साल का कार्यकाल रहा है 30 साल में। अकेले विधायक जी का ही दोष नहीं है, पूरा प्रशासन इसके लिए जवाबदार है, हम सिर्फ विधायक जी पे दोष डाल रहे हैं कि विधायक तो विधायक का अकेले का दोष नहीं होता है किसी भी कार्य में, पूरा प्रशासन का दोष होता है कि जो भी हमारी नगर निगम है जो हमसे कर वसूल रही है, शासन जो कर रहेगा, अकेले विधायक विधायक का एक फर्ज बनता है कि जो विधायक निधि आती है अगर कई उद्योगपतियों को दिक्कत है, उद्योगपति रीढ़ की हड्डी होता है, जो भी आर्थिक गतिविधियां होती है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान उद्योगपति का होता है, क्योंकि वो टैक्स भरता है, अगर उसी की यहाँ पर ये स्थिति यहाँ बनी हुई है तो इसको पार्षद तो पूरी नहीं करेगा, विधायक करेगा, विधायक निधि से अब तक काम होना था, कई बार विधायक निधि जारी हुई होगी, तो क्या विधायक निधि से काम होना था ये नहीं लगता आपको? अनुशंसा हर बार करते हैं वो, अब उनकी भी कहीं कोई मजबूरी रही होगी इस कारण से, हो सकता है कि वो कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अनुशंसा पूरी रहती है उनकी तरफ से, प्रयास पूरा रहता है उनका कि वो कोई भी कार्य करें, उनकी उपलब्धियां बढ़ें, पर कहो कोई उनकी दूसरी आगे समस्या रहती है उस कारण वो कार्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल, क्या स्थितियां हैं अभी उद्योगपतियों की? हमारे पावरलूम सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा मंदी का समय है और 50% प्रोडक्शन पे चल रहे हैं हम। अच्छा, क्या क्या परेशानियाँ हैं क्षेत्र में? इस क्षेत्र में मूलभूत सुविधा की परेशानियाँ हैं सारी, जो बेसिक उद्योगों को चाहिए वो। कितने समय से उद्योग आप करने कितना समय? हम 1970 से ही हैं। जब से स्थिति यही है। पहला चुनाव 1952 में हुआ। हाँ, नगर निगम हमसे संपत्ति कर लेती है लेकिन वो मूलभूत सुविधाएं नहीं देती है, बिजली भी हम हमारे सोसाइटी वाले स्वयं लगाते हैं और सड़क भी कहती है स्वयं बनाओ आप, और संपत्ति कर, कचरा शुल्क, विद्युत शुल्क, प्रकाश शुल्क सब लेती है वो, लेकिन सुविधाएं नहीं देती, सुविधाएं के समय वो टाल देती है साके के, और सब अधिकारी उन सब गली निकाल लेते हैं काम नहीं करने के लिए। बाकी बिजली की व्यवस्थाएं ठीक है, समय पे हो जाता है काम? नहीं, बिजली तो आती है, बिजली की समस्या वो नहीं है, लेकिन जो मूलभूत देना चाहिए उनको, जैसे ये स्ट्रीट लाइट्स, ये नगर निगम काम है, जो सोसाइटी वाले पर्सनल उसको पे कर रहे हैं, और संपत्ति कर, प्रकाश शुल्क, कचरा शुल्क हम सब दे रहे हैं, सारा भर रहे हैं। तो ये उद्योगपति हैं जो संपत्ति कर से लेके सभी टैक्स यहाँ पर जमा कर रहे हैं, लेकिन दबी जुबान से साफ तौर पर विधायक पर आरोप लगाने से बचते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उद्योगपति हैं, उद्योग चलाना भी है, और जिस तरीके से विधायक का रवैया यहाँ का रहता है कि मेल मुलाकात तो करते हैं लेकिन जो काम धरातल पर होना चाहिए वो होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। उज्जैन की 7 विधानसभाओं में से मुख्य विधानसभा है उत्तर। उत्तर की विधानसभा से विधायक हैं पारस जैन, पूर्व में मंत्री रहे, 2003 से लगातार विधायक चुने गए हैं। इस बार क्षेत्र में जनता में काफ़ी नाराजगी है कि लगातार जीत का जो घमंड है वो यहाँ पर झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। कई क्षेत्रों में विधायक जी अब तक नहीं पहुंचे हैं, चुनाव के समय वादे कर आते हैं, उसके बाद जो वादे किए हैं वो धरातल पर नहीं उतरते हैं। कई क्षेत्रों में अब भी लोग जो हैं वो कई परेशानियों से जूझ रहे हैं। अगर नर्मदा जल की बात की जाए, नर्मदा का पानी अब तक उत्तर विधानसभा क्षेत्र में नहीं पहुंचा है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर समस्याएँ काफ़ी हैं लेकिन निराकरण कुछ भी नहीं, जनता के मन में एक आक्रोश यहाँ पर देखा गया है। उज्जैन की उत्तर विधानसभा की महालक्ष्मी विहार कॉलोनी में मौजूद हूँ। कॉलोनी पॉश एरिया है, वीआईपी एरिया दिख रहा है, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं वो यहाँ पर खासे परेशान हैं। टिंचिंग ग्राउंड पास में है, 2016 में आया था, स्थायी रूप में आया था लेकिन अब स्थायी हो गया है। कितनी परेशानियाँ होती है टिंचिंग ग्राउंड से? काफ़ी परेशानी होती है, यहाँ पर जो धुआँ उठता है उससे घर के बुज़ुर्गों को काफ़ी परेशानी होती है, लोग भी परेशान हो जाते हैं, है ना। वायु प्रदूषण इतना हो जाता है कि यहाँ पे शाम के वक्त, सुबह के वक्त जो है घरों में धुआं घुस जाता है काफ़ी, और ये इस चीज़ के लिए पहले भी प्रयास कर चुके हैं, प्रशासन को और सभी को बता चुके हैं, लेकिन